लक्षात ठेवा, परिवर्तन तो होने वाला ही है, परिवर्तन तो होने वाला ही है। आपल्या माझ्या लाडक्या बहिणींना विनंती आहे की आपल्या भावाच्या पाठीशी उभं राहायचं आहे। लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री नमस्कार, मेरे पंडित और इस वक्त में हूँ विधानसभा 132 में, और आप जहाँ तक देखेंगे आगे बाइक की रैली है और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, महायुति के उम्मीदवार राजन नाई की रथ पे हैं और साथ में उनके सहयोगी उदय चौधरी भी हैं, और इतनी भारी मात्रा में लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं। अपा नमस्कार, नमस्कार। इतने इतने लोग, इतने लोग यहाँ पे हैं रैली में, साथ में आपके यहाँ पे विरार में रैली कर रहे हैं, हाँ। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे कार्यकर्ता का समर्थन है, मतदाताओं का समर्थन है, बहुत अच्छा। लोग चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो ये टाइम में परिवर्तन निश्चित रूप से 20 तारीख को परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी महायुति का उम्मीदवार चुन के आएगा। विरार में इतनी भारी मात्रा में जो आप रैली निकाले हैं, आज हजारों की तादाद में लोग हैं, इससे कितना असर पड़ेगा विपक्षियों पे? निश्चित रूप से मतदाताओं को विश्वास है, लोग देखते हैं और खुश होते हैं। बताता मैं तो बदलाव का तो ये वातावरण है ही है, लोग बदलाव निश्चित रूप से लाएंगे। क्या लगता है कि इस बार जो आंकड़ा आएगा 23 तारीख को सामने, कितने का रहेगा? 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे। 1 लाख से? सर क्या कहेंगे आप? आपल्याला माहितीच असेल की आपल्या महायुतीचे उमेदवार या विधानसभा मध्ये 1 लाखापेक्षा जास्त मताने निवडून येणार आहेत। आपली लाडकी बहीण योजना जी आपल्या राज्य सरकारने आणलेली, अंमलात आणलेली आहे, त्याच्यामुळे लाडकी बहीण योजनाचे सर्व म्हणजे लेडीज जे आहेत ते स्वतःहून सांगत आहेत की आम्ही या टायमिंगला महायुतीला म्हणजे राजनप्पाला चांगल्या मताने निवडून देणार आहोत। सर क्या कहेंगे, महायुति की सरकार और शिवसेना अभी जो की एक साथ में एक ही रस्ते है, इससे क्या बदलाव होगा? प्रचार अभी चरण सीमा में है और लोगों का उत्स्फूर्त, ऐसा आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रैली निकली है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार परिवर्तन अटल है। कल बहुजन विकास अघाड़ी की रैली भी थी, वसी तक गई थी। और अभी इस ये चुनाव का समय है तो सबकी रैली निकलती है, लेकिन परिवर्तन अटल है। अभी जीत किसकी होगी इस बार, क्या लगता है आपको? जीत भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस, महायुति की जीत पक्की है। आखिरी सवाल आपसे, उत्तर भारतीय और बिहार के लोग इस बार बड़े उनके वोट बैंक है, और आप क्या कहते हैं कि इस बार कितने ज्यादा वोट बैंक आपको गिरेंगे उत्तर भारतीय और बिहार के लोगों को? उत्तर भारतीय और बिहार के 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में भी योगी बाबा का शासन है, बिहार में भी शासन भारतीय जनता पार्टी महायुति का गठबंधन का है, एनडीए का शासन है, तो दोनों जगह पे शासन होने के लिए और इधर अच्छा काम हमारे आदरणीय शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय पवार साहब ने किया है, अजीत दादा ने किया है, तो निश्चित रूप से सब लोग हमारे साथ है। 23 नवम्बर को कमल खिलेगा निश्चित रूप से, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से। ये टाइम में इतना अच्छा माहौल है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजन नाई की जीत पक्की है। 20 तारीख कम से कम 1,80,000 या 1 लाख से जितने की उम्मीद है हमको, और पब्लिक का सपोर्ट हमारे साथ है। बहुजन आघाड़ी कितना भी स्थिति बोले दे उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, पब्लिक हमारे साथ है। हम लोग उत्तर भारतीय हैं और बसे बिरार में काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। अब की बार हम लोगों को मौका मिला है, एक सही कैंडिडेट मिला है, अब की बार हम लोगों को ये इनको जीत के आगे बढ़ाना है, और हमारी जो माता बहनों को लाडली योजना में जो लाभ मिला है उससे हमारे उत्तर भारतीय महिला और हमारे जो बुजुर्ग है वो सब एकदम कमल छाप पे 20 तारीख को जाके 1 नंबर बटन दबा करके और आगे का ही आने वाले समय में अच्छे से अच्छा डेवलप करने के लिए राजन नायक जी को विजय बनाए। धन्यवाद। हमारे साथ में थे महायुति उम्मीदवार राजन नाई की, भारी मात्रा में रैली निकाली जा रही है, कुछ ही दिन बचा है चुनाव में, आप देखना ही होगा 23 नवंबर को आखिरकार क्या होता है, किसकी सरकार बन के विधानसभा 132 में।